हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फर्मी लेवल और ये सब क्या होते हैं, इन सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर जो होता है तो उसकी कंडक्टिविटी आपके कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है, है ना? तो सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि आप सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी अशुद्धियां नहीं मिला रहे हो तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, और अगर सेमीकंडक्टर में आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं एक्चुअली। अगर आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी अगर आपने ऐड की है, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, और अगर आपने पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे ये क्या कहलाएगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप बनाने के लिए आपको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मींस जिसके आउटर बॉन्ड में, सॉरी आउटर लेयर में थ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर लेयर में थ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो कौन कौन से हैं ये, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब आपके ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होंगी। ठीक है, और पेंटावेलेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस, सल्फर और बिस्मथ। ठीक है, ये आपके पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके इंट्रिंसिक क्या होता है, फिर एक्सट्रिंसिक क्या है। अगर आप कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं कर रहे हो सेमीकंडक्टर में तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जैसे कि बेस्ट आपका सेमीकंडक्टर क्या है, जो कॉमर्शियली यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों ही यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है, जो जर्मेनियम या सिलिकॉन का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसा होता है। तो ये है जर्मेनियम का लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, इसी तरह सिमिलरली सिलिकॉन का भी यही लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसके आउटर लेयर में है, आउटर ऑर्बिटल्स में, ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 32 है एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 18 एंड देन 4। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट्स में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8, फिर 18 एंड देन 4। ठीक है, अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे 1s2 2s2 ऐसे करके लिखोगे तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे। ठीक है, तो ये वही 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वही 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसका 3D डायग्राम, एक्चुअली ये 3D है बट मैंने इसको 2D ही अपन बना सकते हैं तो इसलिए अभी ये 2D में बना हुआ है, बट है ये एक्चुअली 3D में है।
ठीक है, तो हर एटम एक दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर एटम दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, मीन्स चारों इलेक्ट्रॉन जो है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं अपने नेवर एटम से, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, ये जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन है, इनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और ये अभी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली तो फोर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये फोर इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे, जैसे मान लीजिए इस एटम की बात करें, तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो इसके भी न्यूक्लियस से अटैच है, तो यहाँ वाला भी अपने न्यूक्लियस से अटैच है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है तो इसके न्यूक्लियस से अटैच हो जाएगा, ये वाला इसके न्यूक्लियस से अटैच हो जाएगा, इसके भी एक्चुअली रहेगा बट इसके भी न्यूक्लियस से अटैच हो जाएगा, तो इसलिए ये फ्री टू मूव नहीं है, ठीक है, इजिली मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी जो होती है तो वो कम होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, ठीक है, बट कंडक्टर के केस में वो न्यूक्लियस से अटैच नहीं होते, वो फ्री होते हैं, फ्री एक्चुअली की मीन्स ऑर्बिट से फ्री होते हैं, बट जो न्यूक्लियस से जो अटैचमेंट होता है वो कम होता है, बट इसमें उससे ज्यादा है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जो है तो कंडक्टर से कम होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में होल, ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, नेक्स्ट देखते हैं ये इंट्रिंसिक में ही होल, ठीक है। तो होल, अगर आप इस लैटिस स्ट्रक्चर पे सिर्फ रूम टेम्परेचर दो, या आप इसको रूम टेम्परेचर पे इसको रखोगे, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे एक होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, होल, और इसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। तो एट रूम टेम्परेचर जीरो डिग्री केल्विन, कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोक एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री रहेगा, अपने जो भी 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें कहीं भी मूव करने के लिए वो फ्री रहेगा। ओके, अच्छा, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको लैटिस स्ट्रक्चर से डिटैच करने के लिए, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस लैटिस स्ट्रक्चर से डिटैच करने के लिए जो जर्मेनियम में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जर्मेनियम में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, बट सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए, वहां से हटाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है ना, तो ये क्या करेगा, ये कहीं और बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इस सपोज अगर ये भी फ्री हो गया तो ये यहाँ जंप कर जाएगा, फिर यहाँ होल आ जाएगा, फिर वो कहीं और जंप करेगा, तो वहां पे ये
सॉरी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा ठीक है, तो ये कहीं और मूव कर जाएगा, फिर क्या होगा दूसरे कहीं पे, सपोज यहाँ पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा कहीं और, तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है तो होल भी जनरेट होता जा रहा है। इसको देखते हैं, ठीक है, सपोज ये लैटिस स्ट्रक्चर है ना फॉर एग्जांपल, और ये यहां पे एक होल है ठीक है, तो ये होल क्या होएगा, ये तीन लैटिस स्ट्रक्चर है, पहला होल यहां पे है, सेकंड यहां पे है, थर्ड यहां पे है ठीक है। तो होएगा क्या यहां पे, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर दे रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर दे रहा है। तो जैसे ये होल यहां पे जनरेट हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा उस होल को फिल करने के लिए ठीक है। तो बेसिकली होल आपका, होल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ठीक है, होल आपका इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है। तो आपका जो करंट है वो होल के डायरेक्शन में फ्लो होएगा, करंट जो है वो होल के डायरेक्शन में फ्लो होएगा ठीक है। तो ये हुआ आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आप कोई भी इंप्योरिटी नहीं ऐड किए हो तो उसका लैटिस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और एट रूम टेम्परेचर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इस स्ट्रक्चर से ठीक है, और वो अपने जो भी उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें फ्री टू मूव रहेगा, मीन्स उसमें इजिली मूव कर सकेगा ठीक है रूम टेम्परेचर पे। तो ये सब कुछ हुआ आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ठीक है। अच्छा एक चीज और, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल ठीक है, ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पी क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ होल, पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल ठीक है। तो ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं जिसको Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ओके। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप ठीक है। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो वो दो टाइप के होते हैं, तो पहले देख लेते हैं डोनर टाइप ठीक है, डोनर टाइप या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड तो रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, बट ये पोल नहीं रहेगा तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है आपका, वो तब बनेगा जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मींस आप उसमें फास्फोरस ऐड कर दो या सल्फर ऐड कर दो या बिस्मथ ऐड कर दो ठीक है, और भी हैं, तो इनमें से अगर किसी एक को भी आप ऐड कर दिए, सपोज मैंने बिस्मथ ऐड कर दिया ठीक है, तो
ये इसके आउटर ऑर्बिट्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे जर्मेनियम एटम के साथ, ठीक है, हर एक उसके एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे बन गया, सेकंड यहाँ, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो ये 4 बॉन्ड तो बन गया, बट जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होएगा डोनर या एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए आपको जो जर्मेनियम के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को लैटिस स्ट्रक्चर से डिटैच करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको होगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में, ठीक है। ये आपका वैलेंस बैंड हुआ, ये हुआ कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, यहां पे फर्मी लेवल, इसको अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्मी लेवल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ऊपर मूव कर जाता है। कहां मूव कर जाता है, ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहां से हटा के यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये फर्मी लेवल यहां पे ऊपर मूव कर गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो इसलिए ये फर्मी लेवल ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो गैप होता है वही होता है Eg जो है आपका, तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके केस में, जर्मेनियम के केस में, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टर टाइप या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक्सेप्टर टाइप या पी टाइप जो आपके सेमीकंडक्टर हैं, वो तब बनेंगे जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को आप जब ऐड करोगे तब वो बनेगा, ठीक है। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आपकी कौन सी हो जाएंगी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। तो ये आपके ट्राइवेलेंट एटम है जिनके आउटर ऑर्बिट्स में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोज यहां पे बोरॉन ऐड किए हो, बोरॉन अगर आप ऐड किए हो, तो होगा क्या, यहां पे एक होल जनरेट रहेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं लाएंगे, ठीक है। इसके केस में यहां पे होल आपका जनरेट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहां पे आपने बोरॉन ऐड किया है और ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों बॉन्ड बना लेंगे, बट जो एक यहां पे इलेक्ट्रॉन अनअवेलेबल है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो
ये जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है, जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सेमीकंडक्टर में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कंडक्टर से कम होते हैं, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की है, तो 10^8 एटम के बीच में अगर आप एक पार्ट ऐड करते हो, वन एटम ऐड करते हो, ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी मतलब अफेक्ट होती है ये देखते हैं। अगर आप 10^8 एटम्स के बीच में वन एटम ऐड करते हो इम्प्योरिटी का, तो जर्मेनियम के केस में एट 30 डिग्री केल्विन उसकी कंडक्टिविटी, अगर यहाँ पे मैं डोनर की बात करूं, ठीक है, सपोज ये ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो डोनर की बात करूं तो एट 30 डिग्री केल्विन कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय 12 टाइम्स, ठीक है। 10^8 एटम में आपने वन एटम ऐड किया है तो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी 30 डिग्री सेल्सियस में 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मीन्स कितना कम पार्ट आपने ऐड किया है और उसके बाद भी कंडक्टिविटी इतनी बढ़ जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी देख लेते हैं आपका जो बैंड डायग्राम है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, फर्मी लेवल जो है आपका तो जस्ट अबव वैलेंस बैंड आ जाएगा, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो फर्मी लेवल जो है आपका तो कहां पे आ गया, वैलेंस बैंड के जस्ट अबव, ऊपर पे फर्मी लेवल आपका यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सेप्टर टाइप या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल, ये दोनों का प्रोडक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस वाले इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होएगा, कंसंट्रेशन ऑफ होल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, मास एक्शन लॉ। ये क्या होएगा आपका, मास एक्शन लॉ, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्मी लेवल आपका क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट
ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0 degree केल्विन, एट एब्सोल्यूट 0 degree केल्विन, ठीक है। और फर्मी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 degree केल्विन, ठीक है। तो फर्मी लेवल मीन्स क्या है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब वो कितनी ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई कर ले रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है। और अगर और फर्मी एनर्जी क्या है, अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितनी एनर्जी है एट 0 degree केल्विन पे, वो उसकी फर्मी एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो वैसे मेन है यहाँ पे फर्मी लेवल जो अपन देखते हैं, ठीक है। वैसे इसको ये भी कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब हाफ हो जाए, मीन्स जब प्रोबेबिलिटी हाफ हो इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होने की, तो उसको फर्मी लेवल कहा जाता है। जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होने की, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो, तो उसको फर्मी लेवल कहा जाता है। जैसे कि ये कंडक्शन बैंड है ना, ये उस दिन मैंने बताया था, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो सपोज ये एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, किसी भी एटम के लिए, फिर ये एक एनर्जी लेवल है, फिर ये एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे कंडक्शन बैंड बन जाता है, फिर यहाँ पे आपका ये वैलेंस बैंड बन जाएगा, फिर यहाँ पे कंडक्शन बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी फुल है, यहाँ पे भी पाने की प्रोबेबिलिटी फुल है, ठीक है। बट जब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो इस लेवल को फर्मी लेवल बोलेंगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका एक्सट्रिंसिक के केस में ये लेवल ऊपर चला जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होती है तो वो कंडक्शन बैंड के पास मूव कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है एन टाइप के केस में। और पी टाइप के केस में क्या होगा आपका, कि ये कंडक्शन बैंड है, ज्यादा बड़ा बन गया, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, फर्मी लेवल आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कहां, वैलेंस बैंड के पास, ठीक है। तो ये था फर्मी लेवल। ओके, थैंक यू।